हर हर महादेव एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय सियाराम। चलिए चर्चा करते हैं आज आप 12 राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा, साथ ही आज का लकी कलर, लकी नंबर भी जानेंगे और आज के दिन की विशेषता की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन की विशेषता की। आज 2 जुलाई है, रविवार का दिन है। आज के व्रत त्योहार की चर्चा करें तो आज कोकिला व्रत है। कोकिला व्रत के विषय में हम आगे जब समझेंगे, उसके पहले बात करते हैं आज से ग्रह गोचर की। आज गुरु और राहु मेष राशि में है, सूर्य और बुध मिथुन राशि में है, शुक्र देव कर्क राशि में है, मंगल ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। अभी पहले वो नीच के थे कर्क राशि में, अब वो सिंह राशि में अपने मित्र के घर में गोचर करें। ऐसे में आप में से कुछ राशियों के लिए यह गोचर बहुत शुभकारी है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सभी के साथ इस पर चर्चा विस्तार रूप से की थी। केतु तुला राशि में है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, परंतु ये दोपहर में 1:18 पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि देव स्वयं की राशि कुंभ राशि में है, परंतु यहाँ इनकी उल्टी स्थिति में है, ये वक्री है इस समय। अब इसी ग्रह गोचर पर आधारित आप सभी 12 राशि वालों के राशिफल की चर्चा करते हैं। उसके पहले बात करते हैं कोकिला व्रत की। कोकिला व्रत किसे करना चाहिए? कोकिला व्रत सौभाग्यवती महिलाएं और कुंवारी कन्याएं करती हैं। कोकिला व्रत माता सती ने किया था। कोकिला व्रत से जुड़ी हुई बहुत सुंदर सी कथा है भगवान शिव और माता सती की, आगे हम वो भी सुनेंगे। उसके पहले बात करते हैं आप मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, आज आपकी राशि में गुरु राहु का गोचर हो रहा है। आपके भाग्य स्वामी गुरुदेव हैं और आपकी राशि में गुरु राहु का गोचर हो रहा है। आज मध्याह्न के बाद आपका दिन बहुत सुंदर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होगा, आपके भाग्य स्थान में, भाग्य भाव में। तब ऐसे में आपका भाग्य आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेगा। दोपहर तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खान पान पर ध्यान बनाए रखें। कहीं घूमने जाने के प्लान में है तो वहाँ सावधानियां बरतने की बहुत आवश्यकता दिखाई दे रही है। मकान वाहन खरीदने का बहुत सुंदर योग बना हुआ है। आज आप ऐशो आराम के मूड में दिखाई दे रहे हैं। हर प्रकार से आपको लग्जरी और सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो रही है। दांपत्य जीवन में सब मंगल ही मंगल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। लव लाइफ की चर्चा करें तो लव मेट के साथ समय अच्छा व्यतीत कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर आपके क्रोध के कारण आप दोनों के रिश्ते में थोड़ी सी खटास आने के योग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अपने क्रोध पर संयम बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए दिन उत्तम दिखाई दे रहा है। यदि आप गर्भवती महिला हैं तो आपको इस समय अपने होने वाले संतान के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना, अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना है। करियर की चर्चा करें तो करियर में यहाँ पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होते दिखाई दे रही है। यदि आप पदोन्नति के लिए इंतजार कर रहे थे तो उसके भी सुंदर योग बन चुके हैं। व्यवसाय में लाभ की सुंदर स्थितियां बनी हुई है। धार्मिक यात्राओं पर जाने के बहुत सुंदर योग है। आप सभी मेष राशि वालों का दिन बहुत सुंदर है। मध्याह्न के बाद तो दिन और भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे में आप सभी को चाहिए कि आज लकी नंबर 4 का जरूर प्रयोग करें और लकी कलर आप सभी के लिए है व्हाइट कलर। अब चर्चा वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुंदर दिखाई दे रहा है। दांपत्य जीवन में चली आ रही समस्याओं का अंत हो गया है, परंतु मध्याह्न के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है। जीवन साथी के ध्यान स्वास्थ्य पर भी ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। परिवार के सदस्यों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। विद्यार्थियों का दिन बहुत सुंदर बना हुआ है। किसी अपने टीचर के या फैमिली मेंबर के सहयोग से आज आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहे हैं। यात्राओं पर जाने का सुंदर योग बना हुआ है, परंतु यात्राओं में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। मकान वाहन खरीदने का बहुत सुंदर योग है, पर आज यहाँ पर आपको अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा पर थोड़ा ध्यान देना है। कहीं ऐसी कोई बात नहीं हो समाज में जिस वजह से आपके नाम को किसी प्रकार का कलंक लगे, इस बात को भी ध्यान में रखें। छोटे भाई बहनों के साथ आज आप कहीं बाहर घूमने भी जा रहे हैं। मित्रों का सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्राप्त रहा, परंतु आज आपके खर्च थोड़े ज्यादा बढ़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपको पहले से ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए। आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का लकी नंबर है 6 एंड लकी कलर आप सबके लिए है ग्रीन कलर। अब चर्चा आप मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। आज फैमिली मेंबर्स का कहीं बाहर घूमने जाने के प्लान में भी दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ की चर्चा करें तो लव मेट के साथ आज अपने मन की बातों को शेयर कर रहे हैं, साथ ही आप दोनों के बीच का भरोसा और भी बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है।
आज आपकी वाणी बहुत मधुर बनी हुई है। वाणी के प्रभाव से आप सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आज आपकी पर्सनालिटी बहुत सुंदर है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी ही राशि में सूर्य बुध का गोचर हो रहा है, ऐसे में स्वग्रही बुध आपको हर प्रकार से लाभ पहुंचा रहे हैं। गुरु और ग्राहु का गोचर आपके लाभ स्थान में हो रहा है, यहाँ पर कहीं न कहीं से आपको धन आगमन के सुंदर योग दिखाई दे रहे हैं। यदि आपके जीवन साथी बाहर जाना चाहते थे तो उसके भी सुंदर योग बने हुए हैं। ससुराल पक्ष से आज आपको कोई गिफ्ट मिलने के सुंदर योग हैं। आपके कोई पुराने मित्र आपसे मिलने आ रहे हैं, मित्रों के द्वारा आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। विद्यार्थियों का दिन बहुत सुंदर है। यदि आप कोई स्पोर्ट पर्सन है तो यहाँ पर आपके लिए आज उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होते हुए दिखाई दे रही है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन बहुत सुंदर है। यदि आपने पहले से कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहां से आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिल रहे हैं। करियर में भी आज आपको अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। व्यवसाय में लाभ की सुंदर स्थितियां बनी हुई है। आप मिथुन राशि वालों के दिन बहुत सुंदर है। दिन का लाभ उठाने के लिए आप सभी को चाहिए कि आज के दिन लकी नंबर 3 का जरूर प्रयोग करें। लकी कलर आप सभी के लिए है येलो कलर, परंतु अभी आपके चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। मध्याह्न के बाद ही आपको दिन का लाभ मिलेगा, इस बात का ध्यान बनाए रखें। चर्चा करते हैं कोकिला व्रत की। आप सभी को पता है माता सती ने भोले बाबा से जब विवाह किया था तो उनके पिता महाराज दक्ष इस बात से खुश नहीं थे। और एक बार दक्ष जी ने बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया था जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु भोले बाबा माता सती को आमंत्रित नहीं किया गया था। और माता सती प्रभु के बिना आज्ञा के ही अपने पिता के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने चली गई। और जब दक्ष महाराज ने भोले बाबा का अपमान किया तब माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया था हवन कुंड की अग्नि में। तब भोले बाबा ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया और माता सती को भी श्राप दिया था कि 10,000 वर्षों तक आप कोयल बन करके नंदन वन में घूमती रहेंगी। और माता सती ने कोयल का रूप धारण किया, कोयल का जन्म प्राप्त किया और फिर 10,000 सालों तक वो कोयल बन करके वन में घूमती रही नंदन वन में। और उसके बाद फिर माता पार्वती के रूप में उन्होंने अवतार लिया था। तो ये है कथा कोकिला व्रत की। कोकिला व्रत करने से यदि आप अविवाहित कन्या है तो यहाँ आपके विवाह तय होने के सुंदर योग बनते हैं। और यदि आपका विवाह हो गया है तो आपके पति के साथ आपका जीवन सुखमय व्यतीत होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब चर्चा करते हैं आप कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिला झूला परिणाम लेकर के आ रहा है, क्योंकि मध्याह्न के पहले चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद चंद्रमा आपके छठे भाव में रोहिणी शत्रु के भाव में गोचर करेंगे, तब आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है। आपका मूड भी स्विंग करेगा। संध्या समय तक आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपकी बातों को समझ नहीं रहे, छोटी छोटी बातों पे आपको इरिटेशन भी होगी। करियर की चर्चा करें तो करियर यहाँ आपका बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य स्वामी गोचर आपके कर्म स्थान में हो रहा है। ऐसे में जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करेंगे उससे कहीं ज्यादा आपको रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। परंतु एक बात याद रखें, आपने जो भी प्लानिंग कर रखी है अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर से रिलेटेड, वो सभी के साथ शेयर नहीं करें। सूर्य बुध का गोचर आपके बाल विभाव में हो रहा है, ऐसे में आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता है। व्यवसाय की चर्चा करें तो व्यवसाय में लाभ की सुंदर स्थितियां बनी हुई है, परंतु यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर की बातों को समझने की आवश्यकता है। रिलेशनशिप की चर्चा करें तो दाम्पत्य जीवन में पहले से अब चली आ रही प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, परंतु फिर भी आपको अपने पार्टनर के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान बनाए रखना है। लव लाइफ की चर्चा करें तो लव मेट के साथ आज आपका दिन रोमांस भरा रहेगा, अच्छा समय व्यतीत करें। आज आप अपने लव मेट को रोमांटिक डेट पर भी ले जा सकते हैं। सभी कर्क राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लकी नंबर 1 का जरूर प्रयोग करें। और लकी कलर आप सभी के लिए है रेड कलर। अब चर्चा आप सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए मध्याह्न के बाद बहुत सुंदर हो जाएगा। मध्याह्न तक थोड़ा आपको ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता है माता के स्वास्थ्य पर, परंतु मध्याह्न के बाद दोपहर के बाद में माता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। करियर की चर्चा करें तो करियर में आज आपको काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाने की आवश्यकता हो, छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़े, परंतु यात्राएं आपके लिए शुभकारी हैं, मंगलमय हैं। लाभ की स्थिति बहुत सुंदर बनी हुई है, कहीं न कहीं से धन का आगमन हो रहा है। यदि आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो आपके लिए यहाँ पर उसके सुंदर योग बन चुके हैं।
यदि आप राजनीति फील्ड से हैं तो यहाँ पर आपके कॉन्टेक्ट और ज्यादा बढ़ रहे हैं और साथ ही आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति हो रही है। मित्रों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। अपनी बुद्धि और सूझबूझ से आज आप सभी रुके हुए अपने पूर्ण कामों को पूरा कर रहे हैं। सरकारी कार्यों में भी तेजी आपके आ चुकी है। आपके सभी काम बन रहे हैं। भाग्य साथ पूर्ण रूप से मिल रहा है। धार्मिक यात्राओं पर जाने के सुंदर योग बने हुए। पूजा पाठ धर्म कर्म काल में आपका मन लग रहा है। संतान की चिंता अब तक जो चली आ रही थी वो सॉल्व हो चुकी है। संतान की तरफ से पर्स कोई गुड न्यूज प्राप्त होने के सुंदर योग बने हुए। दाम्पत्य जीवन में अभी भी यहाँ पर खटपट दिखाई दे रही क्योंकि मंगल आपके राशि में ही गोचर कर रहा। सप्तम भाव में शनि का गोचर एक दूसरे का देख रहे हैं मंगल और शनि की तो सातवीं दृष्टि से, तो ऐसे में यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। वहां पर ध्यान देने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। लॉ लाइफ की चर्चा करें तो आज आप अपने लॉमेट का अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। अपने लॉमेट को कहीं बाहर घुमाने भी ले जा रहे हैं। आप सिंह राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लक्की नंबर एक का जरूर प्रयोग करें और लक्की कलर आप सभी के लिए है पिंक कलर। अब चर्चा करते हैं आप कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आज का दिन तो आपके लिए हर जगह से सुंदर बना हुआ है। आज आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो रही है। कहीं से गुड न्यूज प्राप्त हो रहा है। परिवार के सदस्यों के साथ आज आप किसी सामाजिक कार्य में सम्मिलित भी हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य बुध का गोचर आपके दशम भाव में दर्शाता है कि यदि आपके पिताजी प्रमोशन के लिए इंतजार करते तो उनको प्रमोशन मिलने के योग बने हुए। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे बहुत दिनों से, तो अब वो शुभ अवसर आ चुका है। आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। यदि आप प्रमोशन चाहते थे या ट्रांसफर चाहते थे उसके भी सुंदर योग बन चुके हैं। आज आपको आपके कार्यस्थल से कोई शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। लाभ की सुंदर स्थितियां बनी हुई। कहीं न कहीं से धन का आगमन हो रहा है। आपको केवल अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान बनाने की आवश्यकता है। बिजनेस में भी लाभ की सुंदर स्थितियां बन चुकी है। आज आपके शत्रु अपने आप परास्त हो रहे हैं। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी केस बहुत समय से चल रहा था तो वहाँ आपके फेवर में रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। लव लाइफ की चर्चा करें तो लव मेट के साथ आज आपका रिश्ता मिला जुला परिणाम आपको दे रहा है। आज आपको आलस्य का त्याग करके अपने लव मेट को समय देने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। आप सभी कन्या राशि वालों के लिए आज का लकी नंबर है 2 और लकी कलर आप सभी के लिए है येलो कलर। अब चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर योग लेकर के आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जब चंद्रमा का गोचर आपके पराक्रम में होगा और सूर्य बुध का गोचर आपके भाग्य स्थान में हो रहा है, बुध यहाँ स्वग्रही हैं, ऐसे में आपके लिए लाभ की सुंदर स्थितियां बनी हुई हैं। कहीं न कहीं से धन का आगमन भी हो रहा है और आपके करियर में जब तक प्रॉब्लम चली आ रही थी नीच के मंगल की वजह से, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगी। आप डे बाय डे देखेंगे कि आपके करियर में आपको अच्छा प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। व्यवसाय में भी सुंदर लाभ की स्थिति बनी हुई। मकान वाहन खरीदने का बहुत सुंदर समय दिखाई दे रहा है। आज आप अपने घर के सजावट के सामानों को भी खरीद रहे हैं। आलस्य का त्याग करने की आवश्यकता यहाँ पर लग रही है। विद्यार्थियों के लिए दिन मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। यदि आप मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपके लिए दिन सुंदर दिखाई दे रहा है। यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपके लिए विवाह के नए नए प्रस्ताव भी आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की चर्चा करें तो जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। लव लाइफ की चर्चा करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है और अपने लव मेट के ऊपर इतना ज्यादा डाउट नहीं करें, उन्हें थोड़ा समय दें। आप तुला राशि वालों के लिए आज का लकी नंबर है 3 और लकी कलर आप सभी के लिए ग्रीन कलर। अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लाभ के नए नए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। कहीं न कहीं से धन का आगमन हो रहा है। आज परिवार के सदस्यों की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज प्राप्त होते हुए दिखाई दे रही। भाग्य साथ पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। जीवन साथी के सहयोग से आज आपके सभी पुराने रुके हुए कार्य पूरे हो रहे हैं। मकान वाहन खरीदने बहुत सुंदर योग बना हुआ है। केवल आपको ध्यान रखना कि माता के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी नहीं हो, किसी प्रकार की चोट चपेट नहीं लगे आज माता को। पिता के साथ भी संबंधों पर ध्यान बनाने की आवश्यकता दिखाई दे रही। सरकारी कार्यों में आज थोड़ा सा विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा परिणाम लेकर के आ रहा है। आपके राशि के स्वामी मंगल का दशम भाव में गोचर आपके लिए मंगलकारी है। केवल आपको शनिदेव को
आराधना करनी चाहिए। आराधना के रूप में आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी के सामने बैठ करके सुंदर कांड हनुमान चालीसा पाठ करें। ऐसा करने से शनि पीड़ा आपके ऊपर थोड़ी कम होगी और आपके सभी रुके हुए काम समय पर पूरे होने लगेंगे। आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का लकी नंबर है 4 और लकी कलर आप सभी के लिए है व्हाइट कलर। अब चर्चा धनुराशि वालों की। धनुराशि वालों, आपके लिए दिन मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। दोपहर के बाद चंद्रमा आप ही की राशि में गोचर करेंगे, ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता है। सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, साथ ही आपका मूड भी स्विंग होगा, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने के चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। करियर की चर्चा करें तो करियर में आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। विदेश यदि आप जाना चाहते हैं उसके सुंदर योग बने हुए हैं, भाग्य साथ आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। यदि आप विवाह योग्य हैं तो यहाँ पर आपके विवाह तय होने के बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। विवाह हो चुका है तो दाम्पत्य जीवन सब मंगल ही मंगल है। जीवन साथी से आज आपको कोई गिफ्ट प्राप्त हो सकता है। ससुराल वाले आज आपकी खातिरदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आपको आपके ससुराल से लाभ की सुंदर स्थितियां बनी हुई है। आज आपका पराक्रम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा है, विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है। केवल आपको यहाँ ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों पे अपने छोटे भाई बहनों के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। साथ ही आपकी जो ऊर्जा है उसे आप पॉजिटिव वे में यूज करिए। मान सम्मान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए, पूजा पाठ धर्म कर्म कार्य में आपका मन लग रहा है। विद्यार्थी वाला दिन बहुत सुंदर बना हुआ है, आपको अच्छे मार्क्स की प्राप्ति भी हो रही है। आप सभी धनुराशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लकी नंबर 5 का जरूर प्रयोग करें और लकी कलर आप सभी के लिए है ऑरेंज कलर। अब चर्चा आप मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए धर्म कर्म पूजा पाठ में ध्यान देने का दिन दिखाई दे रहा है। आज आप बहुत धार्मिक हैं, सभी प्रकार से सामाजिक कार्यों में आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। आपको यात्राएं करनी पड़ी, यात्राओं में लाभ की सुंदर स्थितियां बनी हुई है। केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता दिखाई दे रही है, साथ ही चोट चपेट नहीं लगे इस बात का ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता है। यदि आप ड्राइविंग करें तो बहुत संभाल करके करें। आज कहीं न कहीं से आपके लिए धन का आगमन हो रहा है, साथ ही आज आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आज आपके बौद्धिक आकर्षण के कारण लोगों का दिल आप जीत रहे हैं। आज आपको ऐसे अवसर प्राप्त हो रहे हैं जिनकी वजह से आपको नेम और फेम मिलने के चांसेस बहुत अच्छे बने हुए हैं। दाम्पत्य जीवन की चर्चा करें तो जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। आज आप अपने जीवन साथी को कहीं बाहर डिनर पर भी ले जाने के प्लान में दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ की चर्चा करें तो लव मेट के साथ अब आपके रिश्तों में आप और भी ज्यादा मजबूती आ रही है। आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। आप मकर राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लकी नंबर 7 का जरूर प्रयोग करें और लकी कलर आप सभी के लिए है ग्रीन कलर। चर्चा आप कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। भाग्य के स्वामी का आपके छठे भाव में रोहिणी शत्रु में गोचर और छठे भाव के स्वामी का आपके लाभ स्थान में गोचर यहां दर्शा रहा है कि आज आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन की चर्चा करें तो यहाँ पर मंगल का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। शनि के दृष्टि के पड़ने के कारण आज आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान बनाने की आवश्यकता है। साथ ही जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट ना हो, ऐसी स्थिति को टालने का पूरी तरह से प्रयास करें। लव लाइफ की चर्चा करें तो यहाँ पर लव मेट का अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। आज आप अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने के प्लान में भी दिखाई दे रहे हैं। पूजा पाठ धर्म कर्म कार्यों में आपका मन बहुत अच्छे से लग रहा है। धार्मिक कार्यों में आज आप करके आपको मन को शांति भी प्राप्त हो रही है, परंतु आज आपको यहाँ सलाह दी जाती है कि बिना वजह के किसी से आज किसी बात पर झगड़े नहीं करेंगे। साथ ही आज आपके ससुराल वालों से किसी बात पर आपकी नोकझोंक हो सकती है, तो ऐसी स्थितियों को टालने का प्रयास करें, अन्यथा ये स्थितियां आपके लिए फ्यूचर में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। आप सभी कुंभ राशि वालों को चाहिए कि आज अपने करियर में प्रगति पाने के लिए आपको नंबर 8 का जरूर प्रयोग करना चाहिए और लकी कलर आप सभी के लिए है पिंक कलर। अब चर्चा आप मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए हर प्रकार से सफलता प्रदान करने वाला दिन दिखाई दे रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्वग्रही बुद्ध और सूर्य का गोचर हो रहा है। यहाँ पे सूर्य बुद्ध का आदित्य योग बना हुआ है और चंद्रमा दोपहर के बाद जब आपके दशम भाव में आ जाएंगे, ऐसे में आपके लिए लाभ की बहुत सुंदर स्थिति बन रही है। आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो। यदि आप राजनीतिक फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आज आपको समाज में बहुत ज्यादा मान सम्मान प्राप्त हो रहा है। उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के भी सुंदर योग बने हुए, परिवार के सदस्यों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है।
आपको आपके मित्रों से कष्ट प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं, किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं करेंगे। रिलेशनशिप की बात करें रिश्तों की, तो यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन सब मंगल ही मंगल है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। जीवन साथी के सहयोग से आज आप अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं और अपने जीवन में और ज्यादा प्रगति को प्राप्त कर रहे हैं। लव लाइफ की चर्चा करें तो लव मेट के साथ आज आप कहीं बाहर घूमने जाने के प्लान में दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते में अब एक ठहराव आ चुका है। आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। केवल आपको ध्यान रखना है कि आज आपके शत्रु आपको परेशान करें, शत्रुओं पर आप मुंह करके भरोसा नहीं करेंगे। आप सभी मीन राशि वालों के लिए आज का लक्की नंबर है 9 और लक्की कलर है येलो। आज आप किसी को लोन नहीं दें, लोन देने से बचाव करेंगे। फ्रेंड्स, ये था आप 12 राशि वालों के राशि फल का हाल। अब चर्चा करते हैं आज के महा उपाय की। आज रविवार का दिन है, चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि भोले बाबा के लिए समर्पित है, उन्हें तिथि बहुत पसंद है और साथ ही आज कोकिला व्रत भी है। तो आज संध्या समय में आप सभी को चाहिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ शिव मंदिर में जाकर के माथा अवश्य टेक के भगवान की पूजा अर्चना करें, भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से जीवन में चली आ रही सभी समस्याओं का समाधान बाबा की कृपा से अवश्य आपको प्राप्त होगा और साथ ही मान सम्मान प्रतिष्ठा और यश कीर्ति की भी प्राप्ति होगी। तो बहुत सरल उपाय है। अब बात आज जिन भी बालकों का जन्म होगा, ऐसे बालक बहुत ज्यादा प्रभावशाली होंगे, इनका फ्यूचर भी बहुत उज्जवल होगा। इन्हें जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा सभी प्रकार के सुखों को भोगेंगे ये। फ्रेंड्स, ये था आप 12 राशि का राशि फल का हाल। वीडियो को आगे शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। प्रभु के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। हर हर महादेव। जय सियाराम।